किसी साल 50% घाटा हुआ तो ये तो कवर कहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे पास साधन नहीं है कमाने का, खेती पर ही निर्भर है। आत्महत्या एक हो या हजार हो, आत्महत्या आत्महत्या होती है, उसको आंकड़ों में नहीं गिना जाता। एक आदमी की मौत हो या 100 आदमी की मौत हो, बहुत ही गलत है। ₹5,000 खाते में दे रहे पगार की, ₹5,000 में क्या हो रहा है उसका, एक हेक्टर का क्या हो रहा है 5,000 में, क्यों आत्महत्या नहीं करेंगे वो? मेरा नाम है मानंदा देवीदास राव जी टुंपे, मैं खेती करती हूँ। मेरा गांव का नाम है टेम्बी, तालुका नेरपासपन, जिला यवतमाळ। ये खेती में मैं मे महीने से पहले पूरा काम करती हूँ, ये नागरनी वकरनी हल चलाना सब होने के बाद मैं जून में हमारा वो जो पेरनी का काम है वो चालू होता है। जून के पहले हम करते नहीं, क्योंकि प्री मानसून का काम जैसा है, पराडी के जो बूंदे आते हैं कॉटन के जो आते हैं वो जो अगस्त महीने में बारिश होती है उसके वजह से खराब होती है, इसलिए हम जून में भी चालू करते हैं। सोयाबीन, तुअर, कपास, गेहूं, अच्छा, चना, ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। मेरे घर में माँ और बाबूजी, माँ मेरे बाबूजी की उम्र है 75 साल की और माँ के कम से कम 70 साल की, और खेती में काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा। अकेली खेती इसलिए करती हूँ, मेरे वाली शादी हुई थी लेकिन मेरा घटस्फोट हो गया। अच्छा, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के वजह से मैं अकेली हूँ और मेरे माँ बाप का जो है वो तो उम्र की वजह से नहीं आ सकते मेरे साथ, इसलिए मैं अकेली करती हूँ। अकेली इसलिए करती हूँ कि मैंने सोचा कि बा अपनी खेती दूसरे को देकर अपन को कितना रुपये मिल रहा है, तो ये तो घाटे में है, इसलिए मैंने खुद करने की सोची। तो मैं खुद कर रही हूँ तो मैं ना खेती में घाटा नहीं खा रही हूँ, मैं नफे में हूँ। हिम्मत कभी हारती नहीं हूँ, ये मेरे घर वाले पहले से ही पता था, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस पाटिल थे, तब से मैं उनके साथ जाया करती थी, नीर इधर उधर। वो मैं छोटी थी तो मैं उनके साथ कभी भी कहीं भी चली जाती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं कि नहीं तू लड़की है मत कर, उन्होंने मुझे लड़के जैसे ही समझ के रखा था, इसलिए मैं चली जाती थी खेत में। कभी वो जब उनकी उम्र थी तब वो खेत में जब वो डवरे गिवरे का काम करते थे, मैं उनको खाना खाने देती थी और खुद वो बैल को चलाने। अच्छा, जाने दो, पराठी जाएगी तो कुछ नहीं होता आगे, तो मैंने तब से वो काम चालू किया था कि ऐसे नहीं किया था, खेती का काम चालू किया था। तो थोड़ा खेती घर की थी तो समझ था ना क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मैंने खेती चालू की तो मेरी खेती उलित ही थी, पहले से उलित कर रखी थी, वो एक पाइपलाइन पहले से ही थी, एक पाइपलाइन मैंने की बाद में। तो लोगों का यह ख्याल था कि ये खेती वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। अच्छा। अच्छा, बाहर के लोगों का ये ख्याल था कि हमें मिलनी चाहिए, क्या लड़की क्या करेगी, इसलिए वो इतने ऐसे कर देते थे, खेती में काम करने के लिए हाँ कहते थे और आते नहीं थे। अच्छा, लेबर आने के लिए बोलते थे, हाँ नहीं आता। तो कभी कभी मुझे ज्यादा पैसे देकर बाहर गाँव से लेबर लाना पड़ता। अच्छा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, वो नहीं आते थे तो मैं खुद सुबह से शाम तक काम करती थी। लेकिन मेरी सोच ये थी कि उससे 10 क्विंटल होने वाला है, अब उनको 15 क्विंटल होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और मार्केट तो जाने की बात रहती थी तो मैं खुद जाती थी मार्केट में भी, जो मुझे चाहिए आज ये फवारनी करनी तो ये लाने का औषध है तो मैं दवा लाने की से लेकर वो बियाना लेने तक खुद ही जाती थी। खेती करने के लिए लोन इसलिए लेना पड़ता है कि कौन से कास्तकार के पास बच्चे की परेशानी रहती है, 2-4 बच्चे रहते हैं, शादी रहती है, किसी के बच्चे के स्कूल जाने के बहुत, तो स्कूल की फी भी महंगी हो गई, और वो किसान का बच्चा कहता है वो लड़का बड़े स्कूल में, मैं क्यों नहीं जाऊँ,
स्कूल की फी है 50-60 हज़ार रुपये, वो उधर जाएगा 50-60 हज़ार देने, खेती में क्या जितना आता है वो तो उनको कभी छावकारी लेनी पड़ती है। अच्छा, कास्तकारी को छावकारी भी लेनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट देते है हेक्टर 20,000 रुपये, 20 से 40, 40 से 50। बराबर, वो 50,000 तो हाँ इस साल लिए तो उस साल देने ही पड़ते ना। बराबर, 50 के 60 तो होते ही है। बराबर, बराबर। पर वो इसीलिए वो और जिसके पास ओलित नहीं है उस कास्तकार को तो निसर्ग के भरोसे रहना पड़ता है। बराबर, मेरे पास है 12 एकड़ खेती, 12 एकड़ में से डेढ़ एकड़ में जानवर को रखती हूँ। जवार नहीं, नहीं जानवर को खाना खिला, जानवर को खाने, इसलिए मेरे 10 एकड़ जानवर को खाने, 10-10.5 एकड़ जमीन मेरे। फिर उसमें क्या क्या किस कितना लगा देती? मैं 2.5 एकड़ तो डाल देती हूँ पहले कॉटन, 2.5 एकड़ कॉटन, कॉटन फिर और 1-1.5 एकड़ डाल दी मैं तुअर, और बाकी का मैं डालती हूँ सोयाबीन। सोयाबीन मार्केट में गए तो व्यापारी के भाव से चल दे ना, व्यापारी के भाव से चल दे। अच्छा अच्छा, जो व्यापारी बोलेंगे वो भाव से बेचना पड़ता है। अच्छा, लेकिन तो आपको जैसे क्या मुनाफा मिल जाता है जैसे सोयाबीन के बारे में बात करें? मैं सोयाबीन के बारे में बोल रही हूँ तो मेरे को आज 7 लाख का सोयाबीन हुए, 7 लाख का सोयाबीन, मेरी 1.5 लाख गए होंगे, 1.5 लाख गए होंगे बोने में, लेबर चार्ज में वैसे वैसे तो 7 लाख से 1.5 लाख गए तो तुरंत 5.5 लाख के मुनाफा है। मुनाफा है, अच्छा। और कॉटन में 1 लाख गए होंगे तो मेरे 25 क्विंटल निकल गया है तो ढाई, मैं उसमें भी 1-2 लाख से मुनाफे में। मुनाफे हमारे जिले में जो सुसाइड का प्रमाण ज़्यादा है इसका जिम्मेदार तो मैं सरकार को समझती हूँ, क्योंकि सरकार जो है वो कास्तकार के जो भाव ये रहता है माल उस उससे भाव नहीं देते, भाव नहीं देते और उसके पीछे परेशानी इतनी रहती है, वो कर्जा लेता है बैंक से, लेता है कोई शाहूकारी कर्जा भी लेता है, प्राइवेट कर्जा भी लेता है, उसके बाद उनको घर की परेशान रहती है, बच्चे रहते हैं, शादियाँ रहती है और वो निसर्ग में पानी नहीं आए। बराबर, तो जो आता है जो बोया है वो आता नहीं है, वो भी घाटा लग जाता है। बराबर, बराबर। फिर वो शाहूकार भी मांगता है, वो शाहूकारी वाले दे दे, बैंक वाले भी बोलते हैं कर्जा दे दो, वो भी आते हैं 1-2 बार। फिर शादी के बाद शादी की रहती है लड़की की, ये भी परेशानी रहती है। बराबर, बराबर। और स्कूल वाले बच्चे रहते हैं उसकी भी परेशानी रहती है। बराबर, एक साल ऐसा होता है, दूसरे साल भी ऐसा हो गया तो वो किसान के जीने की तरीके की उम्मीद छूट जाती है, इसीलिए वो आत्महत्या करना। अगर शेतकरी को जो कास्तकार है इसे इन लोगों को जो कास्तकार को भाव दिया सरकार ने तो उनको ये मन नहीं आती ना। हमारे जैसे लोगों को बहुत परेशानी, औरत होकर रात में भी खेत में रहना पड़ता है, ऊपर से बारिश आती है, अब क्या ये मौसम अलग है, अच्छा ये मौसम में तो कुछ भी हो सकता है, गार भी आ सकती है, बर्फ गिर बर्फ भी गिर सकती है, बारिश भी आ सकती है, वो जोर से चक्रीवादर जैसे हवा भी आ सकती है, फिर भी खेत में रहना पड़ता है। बराबर, आप महिला किसान है तो क्या सुविधाएं हैं महिला किसानों के लिए? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहे हैं महिला किसानों के लिए। महिला किसानों के तो उन्होंने पहले तो एक कंपाउंड लेना चाहिए, क्योंकि महिला को रात को खेत में रहना नहीं पड़ता है। कौन सी भी महिला हो जो महिला किसान है उनके तो उनको एक संरक्षण है कि वो कंपाउंड देना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि उनको रात में मैं रह रही हूँ, लेकिन जो बच्चे वाले रहते हैं जिसके मर्द नहीं रहता है वो बच्चे संभालेंगे या खेत संभालेंगे? बच्चे बड़े होते तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे को तो बहुत परेशानी रहती है ना, अगर वो नहीं ना ऐसे करो ना तुम 80% सब्सिडी दे दो, 20% किसानों को लेने किसान दे सकते हैं ना, सब्सिडी बढ़ा दो ना, 20% किसान भी दे सकते हैं ना। बराबर, बराबर। लेकिन तुम ऐसे थोड़ी बता रहे हम कि नहीं तुम महिला को तो मदद करो। बराबर, बराबर। मैं तो उनको बोलती हूँ मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, खेती में घाटा ही नहीं है ना, औरत को नहीं मैं आदमी क्यों बताती हूँ, सुसाइड करना एक उसके फल नहीं है, लेकिन उनको क्या है बहुत
परेशानी रहती वो करते, लेकिन खेती में काम करने वालों को खेती कभी घाटे में नहीं रहती। औरत को भी मैं वही कर दू कहती हूँ कि खेती में काम करो, वो तुमको मुबला देती है, इस साल में घाटा रखता है लगता है, कुछ साल में तो मुनाफा आता है ना। बराबर, सोसाइटी ये पर्याय नहीं है, खेती तो करनी चाहिए ना।